तिरंगा भी फहरा रहे हैं, बाद में लोग भगवा भी फहराएंगे, क्योंकि सबको मालूम है भगवा फहराएंगे। क्यों भगवा फहराएंगे? पूर्वज इनके भी राम, बीजेपी कब तक? जब तक हम रहेंगे, हम रहेंगे। ये तो मुमकिन हो रहा है कि मस्जिदों के ऊपर तिरंगा फहराया गया? भाई साहब, इन्होंने जब भगवा की लहर देखी पूरे देश के अंदर, इससे कहीं ना कहीं इनको पता चला कि सनातन जाग रहा है, हिंदुत्व जाग रहा है। हम लोग गुजरात जाते थे ना, तो कांग्रेस के राज में हमको पूरा पूरा ये रात रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ता था, उतना मुसलमान का डर था। भारत में मुसलमानों का औरंगजेब सी गले है, इसमें मोदी है, राहुल गांधी, राहुल गांधी का पत्ता कट गया, पप्पू भाई घर में बैठ जाए। हमको काशी चाहिए, मथुरा भी चाहिए, और जितने भी कुतुब मीनार, औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़वाया था, ठीक है, और वहाँ पे मस्जिद बनी थी। चुका है अब दोबारा, उसके बाद एक और मतलब नारा लग रहा है काशी मथुरा की बारी है। बिल्कुल, सारे मंदिर चाहिए, सारे मंदिर चाहिए, जैसे कि ASI का सर्वे में पता चला। और पता क्या, चलो सर्वे तो नाम नाम का फिर तो वैसे ही दिख रहा था कि वहाँ पर मंदिर ही था। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़वाया था, ठीक है, और वहाँ पर मस्जिद बनी थी। तो रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस के तहत ऐसा नहीं होता कि समय बीत जाने के बाद हमें न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलना चाहिए। और वर्तमान के भारत में मुसलमानों का औरंगजेब से लेना देना, औरंगजेब तो एक भारी था, तो औरंगजेब से मुसलमान देश के जोड़ के देखते हैं क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। औरंगजेब से क्या लेना देना आपका? औरंगजेब अखरांता था, भारी था। मैं कुछ मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में आज ही कोई बाहर से उठकर आ जाता है तो क्या आप कहेंगे यार नहीं नहीं ये तो अपना भाई बहन हो गया, ये हो गया? नहीं दोगे ना आप? उसको पालोगे? नहीं पालोगे? वो आपके भाई बहन बेटों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं। तो सबसे बड़ी बात, वो मस्जिद बाबरी की, औरंगजेब की, उससे आपका क्या लेना देना? हमको केवल क्या कहते हैं, ज्ञानवापी मंदिर ही नहीं, हमको काशी चाहिए, मथुरा भी चाहिए, और जितने भी कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, जहाँ पर भी जो भी इतिहास में दर्ज है कि वहाँ पर देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़कर वहाँ पे सीढ़ियों पर लगाए गए हैं, वो भी चाहिए। और जहाँ आज खुदा है वहाँ तो मिल रहा है, और जहाँ नहीं खुदा है वो परसों और तरसों भी खुदेगा। अच्छा, कुतुब मीनार कह रहे थे, कुतुब मीनार मंदिर है? कुतुब मीनार में जो है 70 मंदिरों को तोड़कर, तकरीबन 20 से तो अधिक ही हैं, ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेटा मिस कर रहा हूँ, पर 20 से अधिक मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर जो जितना पूरा कॉम्प्लेक्स है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, जो वहाँ पे जो इस्लाम में आर्किटेक्चर जैसा बना दिया गया है, KK मोहम्मद, इतिहासकार का नाम भी दे दे रहा हूँ भाई, जाके पढ़ लेना, उन्होंने बोला कि वहाँ पर भी मंदिर ही थे, और वहाँ पे फिर तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सब कुतुब मीनार बनाए, सब झूठा हमें बताया गया। जब मुसलमानों की बात करते हैं तो बाबर औरंगजेब को अपना आइडियल मानते हैं, तभी कहीं ना कहीं उनके लिए इतनी लड़ाई लड़ी जाती है उनके खिलाफ, वो ऐसे खड़े रहते हैं उनके साथ। वही तो, देखिए क्या हुआ कि अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, कल 26 जनवरी को शुक्रवार भी था, जुम्मा होता है मुसलमानों में, इन्होंने मस्जिदों पर तिरंगे फहराए, बड़ा अच्छा कार्य करा है। तो वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं नहीं बोलता ऐसा, पर मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए आप कि सही में वाकई में मोदी है तो मुमकिन हो रहा है कि मस्जिदों के ऊपर तिरंगा फहराया गया। भाई साहब, इन्होंने जब भगवा की लहर देखी पूरे देश के अंदर, इससे कहीं ना कहीं इनको पता चला कि सनातन जाग रहा है, हिंदुत्व जाग रहा है, और भारत जो है अपने सिविलाइजेशन हेरिटेज को छोड़ेगा नहीं, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर का इंच इंच लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि न्याय हमको मिलना चाहिए और मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यही, हम वक्फ बोर्ड हटाया जाए, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाए, वो भी अन्याय है। तो जो भी हिंदू विरुद्ध, सनातन विरुद्ध, इस भारत की सभ्यता के विरुद्ध जो भी कार्य कांग्रेस ने कर रहे हैं, और वर्तमान में जो भी चल रहे हैं, उन सब के विरुद्ध हिंदुत्व आगे ये लोहा लेगा और वो आगे बढ़ेगा। आप कह रहे थे झंडा फहराएगी, इसके पहले मुसलमान बताइए आप कहाँ फहराए? इन्होंने कब तिरंगे को अपना माना था? कभी कब माना था बताइए? तिरंगे को तो हमेशा से मानते थे, वो तो कहीं नहीं मानते थे। जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो नारे लगते हैं मस्जिदों से, या जो 5 वक्त की नमाज में जो बोला जाता है अल्लाह अकबर, इसमें ही इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यही आता है कि जो सेकुलरिज्म को भेदता हुआ आगे जाता है कि सिर्फ अल्लाह ही पूजने लायक है और कोई नहीं है, तो यही अपने आप में सेकुलरिज्म सबसे बड़ी उल्लंघन करता है ना। तो कहीं ना कहीं जो तिरंगा भी फहरा रहे हैं, बाद में लोग भगवा भी फहराएंगे, क्योंकि सबको मालूम है भगवा फहराएंगे। क्यों भगवा फहराएंगे? पूर्वज इनके भी राम जी थे, पूर्वज इनके भी रमेश, अरुण, सब शिव, यही तो है, और कौन है? आपको कन्वर्ट करा गया तभी तो आप जा चिल्ला रहे ना, सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं, सऊदी घर वापसी हो जाए, प्रॉफिट मोहम्मद है, घर वापसी करनी चाहिए, अच्छी बात है, घर वापसी करेंगे तो और बेहतर जी पाएंगे। इस्लाम में आपको क्या ही मिल रहा है? सब पूरी भर भर के इनक्वालिटी है,
आप देखिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में रूबिका लियाकत जर्नलिस्ट है, उनको न्योता मिला वहाँ पे जा पाई वो। वहीं दूसरी तरफ आरफा खानू शेरवानी इस्लाम की है, ठीक है, उनको वहाँ जामा मस्जिद के गेट पर ही वो बैठी रही, सिर्फ उनको अंदर नहीं घुसने दिया। तो इतनी बड़ी तो इनक्वालिटी है, ट्रिपल तलाक सहते थे। तो मोदी जी का जो सरकार है वर्तमान में सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, इसलिए तो ट्रिपल तलाक भी हटा। सबसे बेहतर यही है कि अगर आप घर वापसी करते हो तो आपके लिए उससे बेहतर कहीं हो सकता है। दादा ये कह रहे थे कि धीरे धीरे अब जो मुसलमान है वो भी भगवा फहराएंगे। अवश्य फहराएंगे, अवश्य, अगर मोदी सरकार रही तो सब कुछ होएगा, सब अपना होएगा। अभी देख के पहले मैं बेंगलोर में 40 साल से रहता हूँ, मेरा नाम मगनलाल है, बराबर। जब भी मेरा गांव है गुजरात है, जब हम लोग गुजरात जाते थे ना तो कांग्रेस के राज में हमको पूरा ही रात रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ता था, उतना मुसलमान का डर था। हाँ, और साल में 9 महीना कर्फ्यू रहती थी। ये मोदी आने के बाद ही अहमदाबाद को ठीक किया गया है, बाकी तो सब मुसलमान कहीं भी रहने नहीं देंगे हिंदू लोग को। जब से ये राम मंदिर बन गया लोग कहीं ना कहीं कहने लगे मोदी कहीं भगवान का रूप है। हो सकता है, लेकिन भगवान तो बैठे हैं ना अयोध्या में, वही सब करेंगे, उसके दिल में आएगा वही होएगा। 24 में कौन है? 24 में मोदी है। राहुल गांधी का पत्ता कट गया, पप्पू भाई घर में बैठ जाएंगे। युवा नेता है, लगातार रैलियां कर रहे हैं। बोलना तो आता नहीं है उसको। अब तो कह रहे धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ, तो अब सीख लेने दो उसको, उसके बाद छोसेंगे। अभी सीखे नहीं है? नहीं सीखे, अभी तो जला रहते हैं स्टोव कोयले से। अरे कुछ नहीं जलाते, कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए 24 में बिल्कुल कांग्रेस जाएगी। ओ बिल्कुल पत्ता कट जाएगा। बीजेपी कब तक? जब तक हम रहेंगे तब तक। तो अयोध्या के बाद क्या लग रहा है? अयोध्या के बाद जो हमारा मंदिरों है उन लोग ने कब्जा करके रखा वो ही लेंगे, उनका हमें नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से उनका कुछ नहीं है भारत में? उनका बहुत कुछ है, जहाँ मस्जिद है उनकी, ये जुमा मस्जिद है, उधर हम पूछेंगे क्या? नहीं पूछते, नहीं, हमारा है वो ही हमको दीजिए। अयोध्या के बाद कौन कौन सा हमारा है? क्या अभी तो देख के काशी में चल रहा है, मथुरा में चल रहा है, अब बाद में तीसरा कौन सा है मुझे मालूम नहीं, और कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये दो तो लेके ही रहेंगे।